हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग IGH और OGH का जो व्लॉग है उसको शूट करेंगे, इंटर्न गर्ल्स हॉस्टल और ओल्ड गर्ल्स हॉस्टल। तो गर्ल्स हॉस्टल में तो मैं नहीं जा सकता, तो मेरी दो फ्रेंड मानसी और काव्यांजलि यहाँ से जो है OGH का जो व्लॉग है उसको कंटिन्यू करेंगे और आप सभी को दिखाएंगे IGMS का जो गर्ल्स हॉस्टल है वो कैसा है। हम आ चुके हैं हमारा इंटर्न गर्ल्स हॉस्टल और ये है इसका मेन एंट्रेंस। अब हम लोग अंदर चलते हैं। ये ओवरऑल पार्किंग एरिया है, कॉमन फॉर IGH एंड OGH। ये लिफ्ट है और यहीं पे गार्ड्स भी बैठते हैं। अब यहाँ से हम लोग पीछे चलते हैं जो है OGH, ओल्ड गर्ल्स हॉस्टल, जो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को अलॉट होता है। फर्स्ट ईयर में उतना जल्दी भी अलॉट नहीं होता है, फर्स्ट ईयर में काफी टाइम के बाद हमें अलॉट हुआ था हॉस्टल, आई थिंक सो 3-4 महीनों के बाद। तो चलिए अब आपको करवाते हैं अपने OGH का टूर। एंड ये हमारे मेस का डाइनिंग एरिया है जिसका यूज हम लोग बहुत कम करते हैं। द वाटर कूलर और सिंक्स। तो अब यहाँ से हम चलते हैं अपनी रूम्स की ओर। ये है हमारे OGH का हॉल नंबर 1, जहाँ पे हमारे पास ट्रेडमिल रखा हुआ है, हम लोग यूज कर सकते हैं इसको किसी भी टाइम। यहाँ से जब हम लोग आगे जाएंगे तो पीछे वाले गेट के लिए जो गार्ड्स हैं वो यहीं पे बैठते हैं। और ये हमारा OGH ग्राउंड, जहाँ पे हम लोग वॉक कर सकते हैं शाम के टाइम या फिर ऐसे ही बैठ सकते हैं थोड़ी देर। कभी भी आया जा सकता है यहाँ पे, बैडमिंटन खेलने के लिए भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये कैंपस के अंदर ही है तो आप यहाँ पे रात में भी कभी भी आ सकते हैं। तो हमारे गर्ल्स हॉस्टल में ये अभी कुछ टाइम पहले ही लगा है सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन एंड ये हर फ्लोर पर है हमारे लिए। आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर अस। यस, इधर कुछ डबल रूम्स हैं जो कि अभी लॉक्ड है तो हम लोग अंदर से दिखा नहीं सकते। यहाँ पे है टॉयलेट, ऑलमोस्ट 8 रूम्स पे 2 टॉयलेट्स और 2 वॉशरूम्स अवेलेबल हैं जो प्रीटी क्लीन रहते हैं। ये हॉल है, आई थिंक कि हमारे OGH में 2 हॉल्स हैं। लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में जो कुछ लोग थे उन्हें अलॉट हुई थी, बट इस बार आई डोंट थिंक सो कि फर्स्ट ईयर वाले हैं उन्हें ये हॉल्स अलॉट नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे रूम्स काफी खाली हैं। IGH में लिफ्ट अवेलेबल है बट OGH में सिंस 2 ही फ्लोर्स हैं तो स्टेयर्स ही हैं। This is my roommate. तो पता नहीं कहाँ जाने के लिए इतनी रेडी हुई पड़ी है। Bye bye. Bye. तो ये है हमारा छोटा सा रूम जो कि एक्चुअली डबल रूम के अकॉर्डिंग आई थिंक इट्स बहुत सही है, और क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत 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 ज्यादा होती है तो हमें कूलर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि AC अवेलेबल नहीं है अभी तक यहाँ पे, तो हम लोग कूलर रख सकते हैं। एंड ये है बालकनी, मोस्टली सारे रूम्स में बालकनीज अवेलेबल हैं। यहाँ पे कबर्ड्स नहीं अवेलेबल हैं, आपको शेल्व्स ही मिलेंगे क्योंकि अभी हमने कर्टन से कवर कर रखे हैं। तो दैट्स अबाउट अ डबल रूम। थैंक यू काव्या फॉर शोइंग अस योर रूम। यही था हमारा OGH, दैट इज ओल्ड गर्ल्स हॉस्टल, जहाँ मोस्टली फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स रहते हैं एंड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को इनिशियली डबल रूम ही अलॉट होता है।
अगर फीस की बात करें तो हमें 20,000 पर एनम लगता है हॉस्टल फीस, और उसके अलावा खाने का पैसा अलग से है। हमारे पास दो मेस अवेलेबल है, एक IGH में और एक OGH में, तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको जहाँ का खाना ज्यादा बेटर लगता है आप चूज कर सकते हो। मेस का फीस 3,000 के अराउंड है और मेस में वेज नॉन वेज दोनों तरीके का खाना हमें मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।